अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एस बी फेड। तो भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? एक मरतबा फिर आपका भाई आ गया है आज दो वॉचेस लेकर। दोनों को हम करेंगे कंपेयर, कौन सी वॉच ज़्यादा बेस्ट है भाई। T800 Ultra वर्सेस T900 Ultra, भाई दोनों कमाल की वॉचेस बनाई गई हैं। आज हम इसको करेंगे कम्प्लीटली अनबॉक्स। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल एस बी फेड को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपका भाई ऐसी वीडियोज लेके आता रहे। तो चलें भाई आज की वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो चले भाई देख लेते हैं सबसे पहले दोनों की बॉडी। ये सिल्वर कलर में जो मौजूद है ये है हमारे पास T800 Ultra, और मेरे जो राइट साइड पे है यहाँ पे ये है T900 Ultra। तो दोनों के आप क्राउन राउंड बटन चेक कर सकते हैं, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है और इसका क्राउन राउंड बटन का साइज़ थोड़ा छोटा है, जबकि नीचे दोनों के जो बटन दिए गए हैं ऑलमोस्ट सेम ही हैं। अगर हम इस साइड से बात करें तो यहाँ से भी इनके दोनों के बटन ऑलमोस्ट सेम है, माइक दिया गया, हर चीज़ सेम टू सेम बनाई गई है। जहाँ तक हम बात करते हैं अगर स्क्रीन की, तो स्क्रीन का आप साइज़ देख सकते हैं T800 हमारे पास थोड़ा छोटा साइज़ दिया गया है जबकि T900 का बड़ा साइज़ दिया गया है वॉच के अंदर। अच्छा, अगर हम बैक से अगर बात करें तो दोनों के जो बैक में हमारे पास मौजूद है दोनों जो है प्रिंटेड दिया गया है, यहाँ पर स्क्रू मैनुअली नहीं दिए गए हैं और यहाँ पे कोई एडजस्टेबल बटन भी नहीं दिया गया, ये सब जो है दोनों के प्रिंटेड दिए गए हैं। तो बैक से और फ्रंट से ये जो वॉचेस हैं दोनों सेम हैं। अब इसको दोनों को हम ऑन करके चेक कर लेते हैं। नीचे का बटन होल्ड करके रखेंगे अगर आप, तो चेक करते हैं भाई। ये देख सकते हैं आप दोनों वॉचेस जो हैं ऑलमोस्ट एक साथ ही ऑन हुई है। और जहाँ तक डिस्प्लेस का बात है हम ये भी चेक कर लेते हैं भाई। ये देखें भाई दोनों के डिस्प्ले सेम आ गए हैं, 1, 2 दोनों के सेम हैं, 3, 4, 5, 6 कसम के दोनों में इसके डिस्प्ले दिए गए हैं। वो एक अलग से डिस्प्ले आ गया था, वो मैंने ऑल वॉच के अंदर लगाया हुआ था। तो खैर अब देख सकते हैं दोनों के भाई ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं। अच्छा, दोनों की अगर स्क्रीन की क्वालिटी की बात करें जाए डिस्प्ले की, तो भाई इस मामले में थोड़ा सा T900 Ultra का थोड़ा अच्छा डिस्प्ले बनाया गया है। T800 क्योंकि पुराना मॉडल है तो इसमें दोनों में डिस्प्ले में फ़र्क है, लेकिन अगर जो साइज़ के लिहाज से अगर जो छोटे डायल में साइज़ चाह रहे हैं तो उनके लिए T800 भाई बढ़िया है, बड़ा ज़बरदस्त साइज़ बनाया गया इसका, छोटा साइज़ है और रिस्क पे इजीली आ भी जाता है। ये थोड़ा बड़ा इसका साइज़ बनाया गया है। रिस्क के लिहाज से अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई बड़े साइज़ में आप वॉच पहने, तो उसके लिहाज से ये T900 Ultra बेस्ट है भाई। तो चलें भाई आगे बढ़ते हैं, इसके मेन्यू स्टाइल की बात करते हैं भाई, कितने मेन्यू स्टाइल दोनों में दिए गए हैं। अच्छा, दोनों को नीचे से अगर हम स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पे 5, 6 कसम के इसके स्टाइल दिए गए हैं। और अगर मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊँ, चेक करवाऊँ, तो इस वॉच के अंदर हमारे पास भी 6 कसम के स्टाइल दिए गए हैं भाई। दोनों के जो स्टाइल दिए गए हैं वो ऑलमोस्ट दोनों के सेम हैं। और यहाँ पे इसकी टॉर्च लाइट, दोनों में टॉर्च लाइट शो करी गई है, और इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देख सकते हैं आप दोनों में किस तरीके से शो हो जाता है। अगर मैं बैक आऊँ वापस आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो दोनों में फ्लाइट मोड और डू नॉट डिस्टर्ब सारे ऑप्शन वही दिए गए हैं। अच्छा, अगर जहाँ तक अगर हम बात करें नीचे से स्वाइप डाउन करने की, तो ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रही है। और अगर इसको हम नीचे से लाइट डाउन करते हैं तो यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आ रही है। शॉर्टकट मेन्यू की बात कर लेते हैं, तो दोनों के ऑलमोस्ट सेम शॉर्टकट मेन्यू दिए गए हैं। और अगर हम लोग यहाँ से स्वाइप करें तो यहाँ पे हमारे पास इसके वॉलपेपर चेंज हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे भी हमारे पास वॉलपेपर चेंज हो रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक इसके टच की बात की जाए अगर, तो मैं इसका मेन्यू चेंज कर लेता हूँ। ये देखें भाई, जहाँ तक दोनों के टच की बात है तो ये सब आपके सामने है भाई, ये दोनों किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये थोड़ा फास्ट काम कर रहा है टच इसका, ये आप देख सकते हैं, और ये भी अपने लिहाज से सही काम कर रहा है। ये थोड़ा स्लो है लेकिन इसका टच जो है ज़्यादा फास्ट ये चल रहा है। और अगर हम इसकी सेटिंग्स में आ जाते हैं इस वॉच की, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग में जो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑलमोस्ट सेम ही दिए गए हैं, ये आप मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग में आ गया हूँ इस वॉच की। चेंज द वॉच, सबसे पहले ये फंक्शन है। सीरी, अबाउट, दोनों में सेम है लैंग्वेजेस में। सेट टाइम, और इसके बाद सेट डेट, और इसके बाद बैकलाइट टाइम 5 सेकेंड हुआ है, थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं 30 सेकेंड कर लेते हैं बैकलाइट टाइम को। और यहाँ पे भी बैकलाइट टाइम को हम लोग कर लेते हैं 30 सेकेंड। अच्छा, इसके अलावा बैकलाइट टाइम के बाद हम लोग आ जाते हैं गो बैक टाइम में।
गो बैक टाइम जो है इसका फॉरएवर हुआ हुआ है और यहाँ पे भी फॉरएवर हुआ हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई, और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। गो बैक टाइम के बाद ऑप्शन दिया हुआ है बेड लैम्प का, यहाँ पे भी बेड लैम्प का। साइड की सेटिंग दोनों में दी गई है, स्प्लिट स्क्रीन का भी दिया गया ऑप्शन और ब्राइटनेस का भी दिया गया ऑप्शन। भाई दोनों की ब्राइटनेस, मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, ब्राइटनेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी ब्राइटनेस 3900 की थोड़ी सी ज़्यादा है। तो दोस्तों सीन ये है कि भाई साइज़ में T800 थोड़ी सी छोटी है और इसका जो टच है थोड़ा सा हल्का है। T900 में ये बताया गया है कि भाई इसका थोड़ा टच भी बेहतर है, इसकी स्क्रीन भी थोड़ी बड़ी बनाई गई है और इसका साइज़ जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन देखें रेंज के लिहाज से, बजट के लिहाज से, अगर आप लोग नॉर्मल बजट पे ले जा रहे हैं तो दोनों में मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मुश्किल से 500 से 600 रुपए का फ़र्क मिलेगा आपको T800 और T900 में। लेकिन अगर जो छोटा डायल पहनना पसंद करते हैं उनके लिहाज से ये वॉच भी अच्छी है और जो बड़े डायल पहनना चाहते हैं उनके लिहाज से ये वॉच भी अच्छी बनाई गई है। तो दोनों वॉचेस अच्छी हैं भाई, आपके सामने हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट sbfit.pk से भी बाय कर सकते हैं, जबकि अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पे ऑर्डर देना तो हमारा जो बायो में नंबर मौजूद है, आप जाएं वहाँ पे जाके हमें ऑर्डर दें और हम लोग आपको 2 दिन के अंदर डिलीवरी भी कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको भाई की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़।